गुड मॉर्निंग। आज मैं आपकी क्लास की तैयारी कर रहा था तो अचानक कहीं देखा कि आज हरिशंकर परसाई जी का की पुण्यतिथि है, तो मैंने सोचा आज उनकी ही कुछ बात करते हैं। तो ये जो क्लास है इसको क्लास 9 और 10 दोनों के लिए रखते हैं, दोनों इसको देखेंगे। मैं आपको आज उनकी एक रचना पढ़ के सुनाऊँगा। हरिशंकर परसाई के नाम से आप लोग परिचित हैं, 9वीं क्लास में उनका एक पाठ भी है प्रेमचंद के फटे जूते। तो जो 10वीं में है वो परिचित हैं, जो 9वीं में है वो उन्होंने देखा ही होगा, आगे पढ़ने वाले हैं वो पाठ हम लोग। तो हरिशंकर परसाई को सबसे बड़े व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है, या सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक माना जाता है। बड़ी ही उम्दा रचनाएं होती थी उनकी, जो कुव्यवस्थाएं थी समाज में सरकारी तंत्र में, उन पर उनका बड़ा ही तीखा प्रहार होता था व्यंग्य के माध्यम से। उन्होंने व्यंग्य पढ़ना सिखाया लोगों को, उसमें इतनी सरलता और इतना रस होता कि लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं उनको। इनकी मृत्यु 1995 में हो गई थी 10 अगस्त को, आज 10 अगस्त है, हालांकि ये क्लास आप लोग कल देखेंगे 11 अगस्त को, लेकिन अब मेरे दिमाग में आज ही आया तो मैं इसको कर देता हूँ, आप इसको 11 अगस्त को देख लीजिएगा। तो एक उनकी एक किताब मैं लाया था, आप में से कुछ ने इसको पढ़ा भी, निबंधों की दुनिया करके है, इसमें इनकी कई रचनाएं हैं। इसमें से एक है भोला राम का जीव, कुछ बच्चों ने शायद किसी क्लास में भी इसको पढ़ा हो, लेकिन मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ, बड़ा ही बढ़िया व्यंग्य है, तो आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, फिर कल से हम लोग पढ़ाई करेंगे बाकी जो कोर्स में है। इसका शीर्षक है भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। आप पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें व्यंग्य कहाँ किया गया है। मैं इस पर बहुत समझाने में नहीं जाऊँगा क्योंकि तब तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा और इसमें से व्यंग्य ढूंढिएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ चोट किया है। जैसे जब उन्होंने धर्मराज, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश, उन्होंने सिफारिश जोड़ दिया वहाँ कि कर्म के साथ साथ सिफारिश भी हमारी व्यवस्था में आवश्यक है। तो धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। जो व्यवस्था है उसमें है कि आदमी मरने के बाद यमपुरी जाता है, यमलोक, वहाँ एक चित्रगुप्त हैं जो एक तरह से समझिए कि मुनीम हैं, और क्या वेट करने के लिए बोलिए, थोड़ी देर में आ रहे हैं सिद्धू जी। तो वहाँ एक जो सारा काम देखते हैं चित्रगुप्त जी हैं, वही सबका हिसाब किताब रखते हैं, किसने क्या पुण्य किया पाप किया, तो उसी पर ये बातें हैं। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने ज़ोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। खींच कर रजिस्टर ज़ोर से बंद किया तो मक्खी मारी गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ तक नहीं पहुँचा। अब एक भोला राम नाम का आदमी है, इसके मृत्यु हुई लेकिन वो पहुँचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहाँ आया। यमदूत कहते हैं जो लोगों के प्राण लेकर के यमलोक तक पहुँचाता है उसको, तो वो बदहवास सा वहाँ आया। आप इसमें जो व्यंग्य है, जो जिस चीज़ पर प्रहार किया गया है उनको ढूंढिए, बाकी फैक्ट्स में नहीं जाना है ज़्यादा, और आनंद लीजिए इसका।
तो यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? गोलाराम का जीव कहाँ है? जीव मतलब उसका प्राण, उसकी आत्मा। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी का जीव तुझे चकमा दे गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इंद्रजाल मतलब कोई मायाजाल हो गया, कोई तिलस्म हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। यहाँ व्यापार मतलब इस तरह के काम बहुत हो रहे हैं। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। कुरियर सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ, कि रेल वाले रास्ते में ही उड़ा लेते हैं या पार्सल। हौजरी के पार्सलों में के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। हौजरी मतलब जो सूती कपड़े के चीज़ बने होते हैं, तो उसके जो मोजे लोग भेजते हैं वो रास्ते में रेलवे वाले निकाल कर उसके अफसर पहन लेते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, विरोधी दल के नेता को कहीं छुपा देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना, वो तो गरीब आदमी था। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? नरक में भीड़ बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि पापी बहुत थे, तो नारद जी को पता था कि वहाँ निवास स्थान की कुछ जनसंख्या बहुत हो गई है और घर नहीं है, तो वही पूछ रहे हैं कि क्या अभी समस्या हल नहीं हुई। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों एक बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। ठेकेदार जब मरे तो नरक में आए, क्योंकि उन्होंने रद्दी इमारतें बनाई थी। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं। अब यहाँ देखिए व्यवस्था पर कैसे चोट कर रहे हैं, ठेकेदार कैसे गड़बड़ी करते हैं, इंजीनियर कैसे करते हैं, वो सब नरक में चले गए हैं। तो वहाँ जाकर बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया था। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन मजदूरों की भी हाजिरी भर के पैसा हड़प गए जो कभी काम पर गए ही नहीं, इसलिए उनको नरक मिला। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। अब इनके पास दूसरा कोई काम नहीं था, तो ये सब मिलके नरक में इमारतें बना रहे हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। अब नारद से यमराज कह रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, इसने सारा ब्रह्मांड छान मार डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अगर हमारे चंगुल से लोग छूटकर भागने लगे तो फिर पाप पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो कि भाई पहले इनकम टैक्स जमा करो तब जाना। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था, इनकम ही नहीं थी तो टैक्स कहाँ से देता। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद कहीं भी आ जा सकते थे। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका, जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था।
ये भी जबलपुर के ही थे, हरिशंकर परसाई। उसकी एक स्त्री थी जो दो लड़के और एक लड़की, परिवार में कौन कौन थे ये बता रहे हैं। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। वास्तविक मकान मालिक मतलब सही में अगर वो मकान मालिक है असली, जो किराए के लिए एक दिन भी नहीं रुकना चाहते, तो इसके मरते ही उसने बाकी को भगा दिया होगा घर से। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गया। अब नारद आए पृथ्वी पर तो वहाँ माँ और बेटी एक साथ रो रही थी, तो उसी से उनको पता चल गया कि यही भोलाराम का घर है, उसकी मृत्यु के बाद ये रो रहे हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। उनको लगा कोई भिक्षा मांगने वाला है, बोला आगे जाओ महाराज, हमारे पास तो खुद के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से देंगे। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी। अब पत्नी बताती हैं, क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। रिटायर होने के बाद जो पेंशन की प्रक्रिया होती है, जो कागजी का कार्रवाई होती है, उसी में वो 5 साल से लटके हुए थे, उनको पेंशन मिलना शुरू ही नहीं हुआ था। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे, फाके मतलब भूखे रहने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते इन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। अब नारद उनको कह रहे हैं कि उनकी तो इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। पैसा नहीं मिला तो उम्र कैसे इतनी थी, भूखे मर गए। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं कि वो दुख की कथा उनकी सुनते। वे अपने मुद्दे पर आए, माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। अब वो छानबीन करने गए थे कि उसकी जो आत्मा थी वो गई कहाँ, तो वो पूछ रहे हैं किसी से प्रेम वगैरह भी था क्या जिसमें उनका विशेष मन लगा हुआ हो, तो कहीं आत्मा वहाँ भटक रही हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। इन्होंने कहा किसी दूसरी स्त्री से उनका प्रेम वगैरह तो नहीं था, तो स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, तो गुस्से से देखा। बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। क्रोधित होकर बोली उनकी पत्नी। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई, वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। नारद को दया आ गई उनकी स्थिति पर। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। जो सबसे पहले वाले रूम में जो अधिकारी बैठे थे, जो क्लर्क थे, उनसे उन्होंने भोलाराम के केस पर बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। जो दरख्वास्त वो देते थे उस पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया जो नहीं उड़ते। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए।
यहाँ वो जो बात कर रहा था वो पैसों की बात कर रहा था कि दरख्वास्त के साथ कुछ पैसा देते, घूस देते, तब वो दरख्वास्त वहाँ रहती, नहीं तो उड़ जाती, मतलब पैसों का वजन उस पर रखना था। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो सभी काम अभी काम हो जाएगा। अब चपरासी ने उनको एक मूल मंत्र दिया कि आप सीधा बड़े साहब से मिलिए, ये लोग तो घुमाते रहेंगे, वो अगर खुश हो गए तो अभी के अभी हो जाएगा काम। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के अंदर आया, देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? सिस्टम होता था एक, अभी भी होता है कि आप अगर गए तो एक आपके पास अगर विजिटिंग कार्ड है अपना तो वो भेजिए पहले, या कागज़ पर लिख कर भेजिए कि आप कौन हैं और क्यों मिलना चाहते हैं, तब वो उनका उनको लगेगा कि आपसे मिलना चाहिए तो वो आपको बुलवाएंगे, ये एक सिस्टम है। तो उसी की बात यहाँ साहब कर रहे हैं कि सीधा चले आए, ना चिट भेजी, ना विजिटिंग कार्ड भेजा और धड़धड़ाते चले आए, मंदिर समझ रहे हो क्या? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। साहब नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। जैसे मंदिरों में दान दक्षिणा पुण्य के लिए किया जाता है, वैसे ही सरकारी दफ्तर भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकता है मगर, साहब रुके, नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है, मतलब आपके पास अगर पैसा ऐसा नहीं है तो नारद जी के पास हमेशा एक वीणा होती है, वाद्य यंत्र होता है वीणा, जिसको वो बजाते हुए नारायण नारायण करते रहते हैं। तो अफसर की नज़र उस पर पड़ गई, उसको लालच आया, बोला कि अगर आप चाहें तो इसका वजन भी दरख्वास्त पर रख सकते हैं, उससे भी उसका उड़ना बंद हो जाएगा। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। आप साहब कह रहे हैं कि मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, उसको मैं ये वीणा दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं, वो और अच्छा गा पाएगी। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ, घंटी बजाने पर चपरासी आता है, एक बेल लगी होती है। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम की केस की फाइल लाओ, चपरासी को बोला। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम के 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया, उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊँचा सुनता है, इसलिए ज़ोर से बोले, भोला राम। जोर से उन्होंने कहा, भोला राम। उनको लगा कि साहब ऊंचा सुनते हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा भोला राम कि फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि नारद ने जब सेटल कर दिया मामला, जब अपनी वीणा दे दी घूस में, तब जब साहब ने पूछा कि क्या नाम बताया, तो इनको लगा कि ऊंचा सुनता है तो ज़ोर से बोले, तो वो जो भोला राम का जीव था, भोला राम की आत्मा थी, वो मरने के बाद जमदूत को चकमा दे करके कहाँ आई थी? पेंशन के फाइल में आके बसी हुई थी, क्योंकि उसका मन तो वहाँ अटका हुआ था।
क्योंकि उसका मन तो उन फाइलों में अटका हुआ था, तो इसलिए वो वहाँ से कहीं गया नहीं और ना ही जाना चाहता था। कहने का अर्थ यह है कि इतना ज़रूरी उस आदमी के लिए पेंशन था, इतनी उसकी बुरी दशा थी और सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट था कि वो मर गया, 5 साल तक वो दौड़ता रहा लेकिन उसको पेंशन नहीं मिल पाई। तो इसी व्यवस्था पर यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है और इस पर एक करारा प्रहार किया है। तो आपने ये पाठ, ये जो उनकी रचना है भोला राम का जीव, इसको सुना, इस पर सोचिएगा, और भी मौका मिले तो आप हरिशंकर परसाई की जो व्यंग रचनाएं हैं उनको ढूंढ कर पढ़िएगा, बड़ा ही आनंद मिलेगा आपको और सीखने को मिलेगा व्यंग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे किसी चीज़ पर बिना उसमें कोई बुरा कुछ कहे हुए उस पर प्रहार कैसे किया जा सकता है। किसी को 4 गालियाँ दे देना बड़ा आसान है लेकिन उसको व्यंग के माध्यम से वो चीज़ कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसकी एक जो उनका जो एक शैली था, उनकी जो एक उनका लिखने का जो तरीका था वो बड़ा ही रुचिकर था, इसलिए पाठक उनसे जुड़ते रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। इतने सालों के बाद भी वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, कभी भी पुराने नहीं होंगे। तो ठीक है, आज हम लोगों ने परसाई जी की रचना को पढ़ा, कल से फिर हम लोग जो अपना कर रहे थे क्लास की पढ़ाई वो करेंगे। ये 9th और 10th दोनों के लिए है ये क्लास, तो आप दोनों क्लास के बच्चे इसको देखेंगे और समझेंगे और इसका आनंद लेंगे। धन्यवाद।